सीधा रुख करेंगे सिमलवाड़ा का, जहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं और सीधी तस्वीरें इस वक्त हम कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिमलवाड़ा में किसान सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया गया है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। सीएम जो यहां पर सीपी जोशी भी कार्यक्रम का हिस्सा है। किसान सम्मेलन जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी सीएम की तरफ से की जा सकती हैं। सीपी जोशी, राजेंद्र यादव भी कार्यक्रम का हिस्सा है। किसानों को लेकर लगातार सरकार की तरफ से अलग अलग घोषणाएं वक्त वक्त पर की जाती रही हैं और एक साल सरकार ने हाल ही में पूरा किया है, तो गहलोत सरकार की तरफ से लगातार किसान जो है प्राथमिकता में है। इन तमाम चीज़ों का महत्व कितना ज़्यादा है, उसी की ये वानगी सम्मेलन के जरिए जहां पर किसानों को आज कहीं ना कहीं उम्मीद होगी डूंगरपुर के, तो वहीं तीन तस्वीरें भी आप इस पूरे कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सीएम गहलोत पहुँचे तो उनका जोरदार स्वागत जो है वो किया गया। इस वक्त मंच पर मौजूद हैं तमाम जो अतिथि हैं वो भी कार्यक्रम का हिस्सा, मंच पर आसीन। वहीं सीएम गहलोत कार्यक्रम में पहुंचे हिस्सा लेने के लिए तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। भारी भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है इस सम्मेलन में। तो किसानों के लिए किस तरीके से तमाम सौगातें जो हैं वो वक्त वक्त पर सरकार की तरफ से दी गई, और इस एक साल का कार्यकाल जब पूरा हुआ तो खासतौर पर किसानों के लिए समर्पित एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नई नई तकनीकों का भी जिक्र किया गया। अलग अलग स्टॉल्स पर उन तकनीकों को और कैसे किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है, उन तमाम योजनाओं का भी जिक्र सरकार की तरफ से किया गया, जिसमें कोशिश की गई कि किसानों तक ये तमाम योजनाएं पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो इससे लाभान्वित हो सकें। और अगर हम बात करें एक साल के इस पूरे कार्यकाल की, तो वक्त वक्त पर कि किसान कितना महत्वपूर्ण वर्तमान सरकार के लिए है, इसकी वानगी सीएम गहलोत की उन तमाम भाषणों में मिलती है जो तमाम तरीके के मंचों से सीएम की तरफ से दिए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है तो किसानों को प्राथमिकता देनी होगी। और इसी की वानगी है कि सबसे पहले आते ही कर्ज माफी की जो सौगात जो घोषणा पत्र में की गई थी उसे पूरा किया गया। इसके अलावा फिर से किसानों को ऋण जो है वो दिए गए, और हाल ही में एक बड़ी घोषणा जिसमें किसानों के लिए ब्याज दरों में 5% की छूट भी दी गई है। तो ये तमाम कोशिशें जिससे समझ में आता है कि किसानों को प्राथमिक तौर पर आगे रखकर कोशिशें तमाम सरकार जो है अभी तक करती रही है, और उसी की तर्ज पर एक बार फिर से किसानों के समर्थन में किसानों के लिए इस सम्मेलन का आयोजन, जहां से सिमलवाड़ा डूंगरपुर में ये कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, सीएम गहलोत विशेष तौर पर मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें आमंत्रित हैं और कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वो पहुंचे हैं। मंच पर इस वक्त तमाम गणमान्य अतिथियों के साथ सीएम गहलोत भी मौजूद, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं सीएम गहलोत के सम्मान में, उनके समर्थन में भी भारी भीड़ यहां पर उमड़ी, और इस पूरे कार्यक्रम की तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। जब सीएम को का वहां पर आगमन हुआ तो किस तरीके से जोर शोर तरीके से उनका स्वागत यहां पर किया गया और बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और जाहिर है किसान सम्मेलन है तो किसानों को एक उम्मीद रहती है कि अब अगर सीएम गहलोत मौजूद हैं कार्यक्रम में तो वो ज़रूर क्षेत्र के लिए, वहां के किसानों के लिए किसान सम्मेलन में मंच से कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे, इसे सुनने के लिए भीड़ यहां पर बड़ी तादाद में पहुंची हुई है। दरअसल प्रदेश को आगे लेकर जाना है तो उसमें किसानों को भी और उनके हाथ को मजबूत करना होगा, उनकी आर्थिक स्थितियों को मजबूत करना होगा, चाहे उसके लिए किसानों को बिजली पहुँचाना हो कम से कम दरों में, चाहे उनके लिए पानी की व्यवस्था करना हो, नहरों में पानी की व्यवस्था करना हो, बांध का जो पानी है वो आखिर टेल तक जो है पहुंचे, इन तमाम व्यवस्थाओं पर चाहे जोर देना हो, किसान का की जो फसल है उसे समर्थन मूल्य पर सही दाम पर खरीदना हो, और जो वक्त वक्त पर प्रकृति की मार लगातार किसान झेलता है उसमें किसानों के साथ खड़े होने की कोशिश हो, इसके अलावा ऋण की कोशिश हो, ये तमाम वो प्रयास हैं जो सरकार की तरफ से लगातार किए गए हैं। अखिलेश शर्मा जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, आज कितना महत्वपूर्ण है ये सम्मेलन जिसमें सीएम गहलोत पहुंचे हैं, और आज क्या कुछ उसमें खास रहने वाला है? बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पंचायत चुनाव के आचार संहिता में उसको देखा जाए तो चुनावी मैदान में काफी अहम है ये कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा, क्योंकि हमेशा से ही 84 विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार देखा गया कि तीसरे स्थान पर रही थी कांग्रेस, क्योंकि भारतीय ट्राइबल पार्टी की मौजूदगी ने कांग्रेस को इतना बड़ा धक्का दिया कि वो तीसरे स्थान पर चलेगी, उसकी दृष्टि से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
आचार संहिता लगने के बाद पहली सभा जो है चुनावी सभा कह सकते हैं कि इसको, हालांकि किसान सम्मेलन लेकिन आचार संहिता लगने के बाद चुनावी सभा कह सकते हैं कि संबोधित करेंगे और काफी कुछ उम्मीदें जो है वो यहाँ क्षेत्र की जनताओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है। खासकर जो सिंचाई और पेयजल का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है क्षेत्र का, कड़ना बैक क्वार्टर से पानी यहाँ तक लाने का, वो सबसे बड़ी मांग क्षेत्रवासियों की है। जी सुमित, अखिलेश, जाहिर है जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि यहाँ पर किसानों को कहीं ना कहीं उम्मीद होगी कि आज सीएम जो है उनकी समस्याओं को लेकर और किसानों की खासतौर पर समस्याओं को लेकर कुछ ना कुछ आज मंच से बोलेंगे और उन समस्याओं को दूर यहाँ पर किया जाएगा। आखिर किस तरीके समर्थन यहाँ पर सीएम का करने के लिए तमाम लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं, अब देखना है कि क्या कुछ घोषणाएं जो है सीएम की तरफ से होती हैं। अखिलेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।